दर्शकों 28 सितंबर को शनिवार है, पितृ पक्ष की अमावस्या है। जब भी अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो वह शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। इस बार विशेष यह है कि पितृपक्ष है, पितृपक्ष की अमावस्या है। पितृपक्ष की जो अमावस्या है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना भूल गया है तो पितृपक्ष की अमावस्या एक आखिरी मौका है, अवसर है कि जिस दिन वह अपने ज्ञात और अज्ञात दोनों तरहों के पितरों का श्राद्ध कर सकता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है। श्राद्ध का विशेष महत्व है, पितरों को देवताओं से ऊंचा स्थान प्राप्त है। और कभी कभी आपने सुना होगा दर्शकों कि लोग कहते हैं ना कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या पितृ दोष के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है, दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर आपको पितृ दोष के कारण दिक्कतें हो रही हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर है। शनिवार को पितृपक्ष की अमावस्या है, इस दिन पितरों के निमित्त आप श्राद्ध करें। अगर आपको नहीं पता है आपके पितरों के बारे में तो अज्ञात रूप में जब भी आप पितरों का श्राद्ध करें तो ज्ञात पितर वो होते हैं जिनका आपको ज्ञान है, जैसे आपके पूर्वज, दादा दादी और भी जो पूर्वज हैं। और जिनको नहीं ज्ञात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो अज्ञात को ग्रहण, अज्ञात पितरों को आप जल दीजिए, कुंडली का जो पितृदोष है वो इस दिन दूर होगा। तो पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दिन अगर हम लोग पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हे पितृदेव, हमारे हाथ से जो कुछ भी ये श्रद्धा पूर्वक हम कर रहे हैं उसको ग्रहण करो, तो वह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है। अगर हम कोई भी चीज़ श्रद्धा के साथ पितृदेव को अर्पण करेंगे तो वह विशेष फलीभूत होती है। जैसा कि मान्यता है कि जब पितृपक्ष की अमावस्या होती है तो सूर्य चंद्रमा की रश्मियों के साथ पितृलोक अपने अपने लोक वापस लौट जाते हैं, तो एक शाम के समय एक दीपक जलाएं, दीपक जला के प्रार्थना करें कि हे पितृ भगवान, हे पितृ देवता, हमको आशीष दें जिससे हम लोग फले फूलें। तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन जरूरी है कि आप अपने पितरों को स्मरण करें, उनका श्राद्ध करें, तो आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध रहेगा। पंडित जी, जनेऊ हमारा पंडित वगैरह से निकल गया है, जनेऊ दे दीजिए। अरे आप पहले कपड़ा तो बदलो। हाँ ये लीजिए। हम तो चिल्ला रहे हैं, हम तो चिल्ला रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो।